सत श्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ पंच आप टीवी। खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष कर रही जथेबंदियों के सांझे किसान मोर्चे ने हरियाणा किसान आगू गुरनाम सिंह चुड़ूनी को 7 दिनों लिए सस्पेंड कर दिता है। इन्हों 7 दिनों में वह ना स्टेज उत्ते जाएंगे और ना ही कोई बयान जारी करेंगे। दस दईए कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी पिछले कई दिनों तो किसान आगुआं नूं पंजाब विधानसभा चोणां लड़न दा सद्दा दे रहे सन, जबकि पंजाब दीआं जथेबंदियां उन्हां नूं अजिहे बयान देण तों वरज रही सन। जथेबंदियां दा कहना है कि उन्हां दा मकसद चोणां लड़ना नहीं, सगों सरकार उत्ते दबाव बना के खेती कानूनां नूं रद्द करवाउणा है। उधर दूजे पासे गुरनाम सिंह चुड़ूनी वल्लों भी आप लाइव हो के अपनी सस्पेंशन ते सफाई दित्ती गई है। की कहा है गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने, आओ सुनते हां। साथियों नमस्कार। साथियों, आज संयुक्त मोर्चे के फैसले पे जो चर्चा शुरू हो गई है और सारे चैनल वाले भाई जो है वो बार बार डिबेट मांग रहे हैं, तो मैं सबके लिए बता देता हूँ कि आज जो संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, जो मैंने बयान दिया था, एक विचारधारा देश के सामने पेश की थी, पंजाब के सामने पेश की थी, मिशन पंजाब। मैं मेरी विचारधारा थी कि मिशन उत्तर प्रदेश आप चला रहे हो, वो बीजेपी को हराने के लिए चला रहे हो। बीजेपी के हारने से अगली पार्टी का जिसका राज आएगा, क्या वो हमारी बात मानेगी? मैंने उदाहरण भी अपने वीडियो में दिया था कि हरियाणा में भजन लाल ने विलोक आंदोलन पे किसानों की गोलियां मारी थी, उसके बाद हमने सरकार बदल ली थी, बंसीलाल की आई थी, फिर उसने उसी मुद्दे पे गोलियां मारी थी, फिर उसकी सरकार बदल दी, फिर उसके बाद चौटाला की आई, चौटाला ने गोलियां मारी थी, लेकिन किसानों की बात नहीं मानी गई थी। ये मैं पहले उदाहरण उसमें दिए। मैंने विचारधारा रखी थी कि पंजाब मिशन पंजाब चलाइए, एक मॉडल पेश करिए, क्या आप वही वोट लुटेरे गिरोह जो हैं, जो परंपरागत पार्टियां हैं, क्या आप उन्हीं को दोबारा से वोट देंगे जो आपके इस व्यवस्था पर पहुंचाने के दोषी हैं? तो साथियों, इस पे पंजाब जो है संयुक्त मोर्चे ने एक्शन लिया है, हालांकि वो चाहे उसमें बेशक बहुमत भी नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी विचारधारा थी और किसी की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, किसी की विचारधारा को जबरन नहीं रोका जा सकता। हाँ, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, तीसरे की विचारधारा अलग हो सकती है, चौथे की विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा के ऊपर किसी को निष्कासित करना बिल्कुल गलत है। फिर भी उन्होंने जो फैसला किया है, कोई बात नहीं, आगे भी करें तो कोई बात नहीं। नंबर एक, मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ, मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। अपनी सरकार बना के देश के सामने एक मॉडल पेश करें, एक अच्छा काम करके दिखाएं, तो पूरा देश अनुसरण करेगा। आज राज बदलने की जरूरत नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है और व्यवस्था सत्ता से ही बदली जाएगी। मैं अपने उसी स्टैंड के ऊपर कायम हूँ। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी हमने निभाई है। आज सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर हैं, सबसे ज्यादा लठ हमारे लोगों को लगे हैं, सबसे ज्यादा पानी के फुहारे, मुकदमे और जो भी हुआ है, जेलों में गए हैं, सबसे ज्यादा हमारा इसमें भूमिका रही है। और आगे के लिए हम इस आंदोलन में हमारी जैसे पहले थी वैसी की वैसी भूमिका रहेगी, बल्कि उससे भी और बढ़ के काम करेंगे। कहीं सरकार किसी गलत भलेखे में यह रह जाए कि इनमें फूट पड़ गई है, अब शायद गुरनाम सिंह आंदोलन से हट जाएगा। हम आंदोलन से बिल्कुल नहीं हटेंगे। जैसा संयुक्त मोर्चा आंदोलन में फैसला लेगा, हम उसी फैसले के अनुसार अपना आंदोलन में हिस्सा लेंगे। सबका धन्यवाद। सो गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है अते कहा है कि वह अपने स्टैंड ते कायम ने। तुहाडे की विचार ने उन्हां दे सस्पेंशन अते स्टैंड ते, सानू कमेंट करके जरूर दसना। देश अते दुनिया नाल जुड़ियां खास खबरां लई देखते रहो वॉइस ऑफ पंज आप टीवी।